नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। राजू गुप्ता राष्ट्रीय जागरण यात्रा के संयोजक डेरी ऑन सोन एवं उनके साथ 13 सदस्यों में श्रवण गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रांची, पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा, कृष्ण कुमार आजाद हाजीपुर गोपाल रोनियार छत्तीसगढ़ जन औषधि टीम के, मुन्ना गुप्ता, शशिकांत गुप्ता पटना, संजय गुप्ता, रामाशंकर गुप्ता, दीनानाथ गुप्ता सासाराम से, शिव कुमार गुप्ता मथुरा छपरा से, अजय गुप्ता, ब्रजेश गुप्ता झारखंड से और वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के मीडिया प्रभारी राजन कुमार राज के नेतृत्व में रोनियार एकता जागरण यात्रा स्वागत एवं अभिनंदन समारोह बंगाल रोनियार वैश्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रिक्शा सेवक संघ रिक्शा पश्चिम बंगाल में हुआ। इस अभिनंदन समारोह में सैकड़ों की संख्याओं में बुजुर्ग महिलाएं एवं युवा लोगों ने उपस्थित हुए बंगाल रोनियार वैश्य वेलफेयर सोसाइटी पूर्व अध्यक्ष मदन प्रसाद गुप्ता जी के अध्यक्षता में हुई। मंच संचालनकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता, सचिव असीम गुप्ता और कोषाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं महिला टीम से मनीषा गुप्ता, राजेश्वरी गुप्ता के साथ साथ पूरी महिला टीम इन सभी लोगों का जोर शोर से स्वागत किया। सभी लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा समाज अभी विकास करेगा जब हम लोग एकजुट होंगे। यदि समाज का विकास चाहिए तो एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोग हर जिला, हर ब्लॉक, हर पंचायत में समाज को आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारा समाज सशक्त और मजबूत होगा। सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को समाज के समक्ष रखा। पूर्व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष कुमार आजाद जी ने कहा कि अति पिछड़ा में राज्य में दर्ज होना चाहिए और महाराज हेमचंद्र हेमू के बताए हुए मार्ग पर हम सभी समाज के लोगों को चलने की जरूरत है। इन सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि यदि समाज का विकास चाहते हो तो हम समाज के सभी लोगों को कदम से कदम मिलकर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम में जब वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के संवाददाता से राजू गुप्ता की बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि जो रोनियार जागरूकता मंच के द्वारा क्या संदेश आप देश में देना चाह रहे हैं। राजू गुप्ता है, मैं इस यात्रा के माध्यम से अपने समाज के तमाम अभिभावक मित्रों को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि विभिन्न तरह के देश में विचारों को संकलन कर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक करने के लिए और अपने युवाओं को भविष्य को देखते हुए हम लोग जो भी कुरीतियाँ हैं समाज में उसको दूर करने के लिए, छात्रावास निर्माण करने के लिए, धर्मशाला निर्माण कराने के लिए और राष्ट्रीय पटल पर अपने समाज के मान सम्मान का गौरव दिलाने के लिए यह यात्रा निकाले हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी इस यात्रा से समाज के संगठन में मजबूती आएगी? जरूर, पूरे हम लोग छत्तीसगढ़ से यात्रा शुरू किए हैं, झारखंड होकर बिहार गई और आज पश्चिम बंगाल में है और जिस तरह के समाज के लोग ललायत हैं एक प्लेटफार्म पे आने के लिए, अपने समाज के अच्छे नेतृत्व को देखने के लिए, समाज के विकास के लिए, तो अब लगता नहीं यार होकर रहेगा और हमारा समाज एकजुट है, कहीं टूट नहीं है और हमारा समाज बहुत ऊँचाई पर जाएगा। वहीं समाज के विकास के लिए बंगाल वैश्य वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बंगाल वैश्य बंगाल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से वेबसाइट को ही लॉन्च किया गया जिससे समाज की हर बात को जन जन तक आसानी पूर्वक पहुंचा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।